तो आज हम देखने वाले कक्षा 9वीं की हिंदी दूसरी इकाई लेसन नंबर 3 इनाम। ऑलरेडी ये चैप्टर बनाया हुआ है बट कुछ कमेंट्स आए कि मिस क्लियर नहीं है, ब्लर है, इसीलिए वापस से बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो लेसन का ये जो विषय प्रवेश है वो देख सकते हैं यहाँ पे। फटाफट देखते हैं यहाँ पे मुहावरा और उसका अर्थ। आपको पता ही है ये आपको आता ही है एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए। कैसे आता है वो हम लास्ट में देखेंगे, जो आपको आता है ठीक है, कि किस तरीके से आपको बनाने के लिए आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब आपको याद करना है। वीडियो 480 360 पे देखोगे तो क्लियर दिखेगा, अदरवाइज आपको ब्लर ही दिखेगा। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हैं पिछले वीडियो में, ये भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा बहुत। ये तो मुहावरा है तो ये तो आपको याद ही करना है, तो इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। चलिए देखते हैं अभी। परिच्छेद क्रमांक 1 से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आकृति पूर्ण कीजिए ये वाला। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार और परिच्छेद ये रहा। परिच्छेद क्रमांक 1, देसी कंपनी ने डैश डैश पैसे अलग बचेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, लेखक के मत से प्रतियोगिता के कंपनी के फ़ायदे। अब ये जो यहाँ पे दिया गया है इसके बीच में जितने भी वर्ड्स आए हैं टफ़ वर्ड्स, उनके मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हो टफ़ वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं। दरख्वास्त यानी अर्जी लगाना, रिक्वेस्ट करना, ख्याली पुलाव पकाना यानी कल्पना में खोए रहना, सिर्फ सोच विचार में रहना ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे ये वाला, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है। इनाम मिलेगा या नहीं, रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे, घरेलू पावर लेनी होगी, बिजली कंपनी में दरख्वास्त देनी होगी, ये आंसर है उसके। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, इस लेखक के मत से प्रतियोगिता से कंपनी को फ़ायदे, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है। नया विज्ञापन हो जाएगा, एक्सपर्ट न रखने से पैसे बचेंगे। अब यहाँ पे देखो परिणाम कब निकलने वाला था, ये सेकेंड क्वेश्चन है ये वाला। तो परिणाम कब निकलने वाला था, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है। ये रहा परिणाम, 1 अप्रैल को निकलने वाला था इसका आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे देखो दिया गया रात भर में डैश का जुगाड़ किया, तुम बिजली कंपनी में डैश भी दे दी है, तो इसका आंसर। और यहाँ पे देखो ये जो दिया गया है उसका, तो देखो तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो इसका हम दोनों का आंसर यहाँ पे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो उसका आंसर यहाँ पे देखो है प्रतियोगिता दरख्वास्त। और देखो यहाँ पे दिया गया है ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर ये दिया गया है, पहले में प्रतियोगिता दूसरे में दरख्वास्त। और बाकी मैच द फॉलोइंग का आंसर ये रहा। परिच्छेद में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी और संकर शब्द लिखिए, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे विदेशी शब्द कंपनी आएगा, संकर शब्द मुहरबंद, यहाँ पे ये मुहरबंद यहाँ पे आएगा सेकंड वाले में। सरल वाक्य परिच्छेद से खोज कर तालिका पूर्ण कीजिए, तो देखो मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, कैलाश ने ऊपर नीचे झाँका, थर्ड का आंसर देखो भारत में धूम मच गई है, हम सब बाहर छत पर लेटे थे, ये सब के सब क्या हैं, सरल वाक्य हैं ठीक है। यहाँ पे है चारों आंसर। स्वमत व्यक्ति क्या दैनंदिन जीवन में विज्ञापन महत्व रखते हैं, यानी दैनंदिन यानी डेली लाइफ में, तो देखो यहाँ पे दिया गया आंसर। उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है ठीक है, कस्टमर। उत्पादों यानी प्रकार से अपने उत्पादों का उत्पादन यानी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लोकप्रिय यानी पॉपुलर। और क्या है यहाँ पे टफ वर्ड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आंसर। परिच्छेद क्रमांक 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो
और कठिन शब्द के मतलब यहाँ पे दिए हुए हैं, देख सकते हो। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। लॉटरी खुली, यह सब लॉटरी का था, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर देखो पहले, ये देखो, लॉटरी खुली अगले दिन, यह सब लॉटरी का था, प्रताप। अब यहाँ पे देखो सत्य, सत्य वाला ये जो दिया हुआ है, ये सत्य सत्य वाला है। और देखो अगले दिन लॉटरी खुली, और किससे पता चला इन तीनों में से आपको बताना है। बच्चों ने पहले से बोतलें धोकर रखी थी, उबाल रखी थी, इकट्ठी करके रखी थी, तो आपको आंसर तो पता होगा सबका आंसर। चलो देखो सत्य सत्य वाला देख लेते हैं पहले, ये रहा सत्य सत्य देख सकते हो, और ये देखो जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला आंसर है। लॉटरी खुली और रेडियो से पता चला था, और वो बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। प्रश्नों का तो लिखिए, फ्रीज आने पर क्या हुआ? दिनेश ने क्या छींटा छोड़े? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये आंसर, सगे संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। कब? जब फ्रीज आया। और छींटे क्या छोड़े दिनेश ने? यह तो पानी को गर्म बना रहा है, ये बात उसने बोली थी। अब यहाँ पे देखो ये दिया गया निम्नलिखित विधानों में से सही विधान चुनकर लिखिए। तीन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन क्या आएगा वो बताना है। और यहाँ पे भी तीन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन क्या आएगा वो बताना है। तो देखो ये वाला सही है, और दूसरे में क्या है, ये वाला बोतलें पर्पल में खाली हो रही थी, और ये ठीक है। आई होप कि आपको आंसर समझ में आया होगा क्या है। अब मिश्र वाक्य परिच्छेद से खोज कर लिखना है। तो देखो उसने कहा कि लगा के मैं परिश्रमी हूँ, ये भी जोड़ दिया, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, दूसरा ये था, थर्ड और फोर्थ बताना है ना। तो थर्ड देखो ये वाली लाइन है, और फोर्थ वाली लाइन देखो ये रही, इसका आंसर थर्ड फोर्थ का। फिर सेकंड देखो, विराम चिन्हों के नाम लिखो, तो देखो आया अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये देख लो आंसर। विदेशी शब्द और संकर शब्द, विदेशी शब्द लॉटरी, संकर शब्द रिश्तेदार। सोमत व्यक्ति यहाँ पे देखो, प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट, आवास यानी रेजिडेंस रेजिडेंशियल, एंड रेजिडेंट यानी घर द्वार, ये आंसर है। और उसका रिमेनिंग आंसर यहाँ पे है। परिच्छेद क्रमांक 3 देखो ये दिया गया है, उससे रिलेटेड टफ वर्ड्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, देख लो ये है, ये रहा आंसर। घर की स्थिति क्या हो जाती है रेफ्रिजरेटर आने के बाद, ये आंसर देख सकते हो। मोहल्ले में तो क्या आएगा आंसर, समाचार। दूसरा देखो, किंतु रेफ्रिजरेटर में लोगों की क्या आएगा, अमानत, यहाँ पे देखो आंसर है। लोगों की क्या आएगा आंसर, यहाँ पे देखो मोहल्ले में आएगा समाचार, किंतु रेफ्रिजरेटर में लोगों की अमानत जो पड़ी थी। अब यहाँ पे देखो फ्रीज के उपयोग का पता चलते ही क्या हुआ, तो आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है फोर, और सेकेंड का देखो नीचे दिया हुआ है। ये जो ये वाला है उसका आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, की वाला, की समुच्चय बोधक है, माँ ने कहा तथा बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की, तो यहाँ पे की और फिर ये की, तीनों क्या हैं, अलग अलग चीज़ें। ये की किया वाला है, ये की समुच्चय बोधक है, और ये आम की, आम आम का संबंध बता रहा है ना,
तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि समुच्चय बोधक है। माँ ने कहा कि उसने इसको जोड़ा किससे, बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की और इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं ना। और ये जो की है संबंध कारक आम से बनी आइसक्रीम, आम की, आम से रिलेटेड है। और ये की यानी किया उसने, तो ये क्या है, की यानी क्रिया है, वर्ब है, आइसक्रीम बनाई इसका मतलब है। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन, गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी, कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। तो क्या करना है आपको, संयुक्त वाक्य इसी तरीके से और ढूंढ के लिखना है। संयुक्त वाक्य कैसे होगा, दो वाक्य को जोड़ रहे हैं और से, ठीक है, इसीलिए से, क्योंकि से, तो ये होता है हमारा संयुक्त वाक्य। तो आंसर देखो दो तो दिया गया था, ये और ये और ये और ये, खुद से लिखा है परिच्छेद से ढूंढ कर। सो मत व्यक्ति देख लो यहाँ पे दिया हुआ है। परिच्छेद क्रमांक 4 यहाँ पे देखो, परिच्छेद क्रमांक ये दिया हुआ है, उससे रिलेटेड टफ वर्ड्स हैं यहाँ पे। और ये क्वेश्चंस हैं, ये अपना सामान लेने आए, कौन कौन लेने आए थे। और यहाँ पे देखो रामानुज की मिठाई वापस दे दी गई, खा लिया या फिर अपने तीन चार मित्रों को खिला दिया, और इसका क्या है, तो ये ऑप्शन बताना है। आपको पता होगा कि क्या होगा आंसर, मुझे तो पता है। ये देखो रामानुज मिठाई लेने आया, चक्रवर्ती साग लेने आया, रामा पराठे लेने आए, और ये आंसर देखो ये दिया हुआ है, तीन चार मित्रों को खिला दिया था, घर में कुछ तैयार नहीं था इसलिए रोटी दे दिया था, पराठे। आखिर कहते देखो किसने किससे कहे हैं, उसका आंसर लिखना है यहाँ पे। तो देखो पहला किसने कहा है, लेखक ने रामानुज से कहा है, दूसरा विमला ने रमा से कहा है, तीसरा आंसर देख सकते हो, तो ये आंसर हो गया। फिर देखो सही शब्द चुनकर बाकी फिर से लिखो। तो यहाँ पे देखो तीन चार मित्र आए, ये राइट ऑप्शन है मित्र, और ये क्या आएगा पता, यहाँ पे क्या आएगा धुआंधार, आंसर देख लो। मेरे विद्यार्थी ये तो बहुत इजी है, ये तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, इन सब का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। विशेषण तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है विशेषण, परिच्छेद में क्या क्या विशेषण आया है, ये आपको खुद से लिखना है, आप और भी अच्छे से लिख सकते हो अपने तरीके से। वाक्य में प्रयोग करना है तो देखो स्कूल का, कटोरा का, साधु का। नम्र तो यहाँ पे देखो गुणवाचक विशेषण है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आवाज भाववाचक संज्ञा है, अव्यय है ये जो चेंज नहीं होता, और इनका यूज़ यहाँ पे करना है क्योंकि सार्थक वाक्य में प्रयोग बोला है तो यहाँ पे किया हुआ है। अव्यय पहचान कर भेद लिखना है तो यहाँ पे देखो दिया गया है, ये रोज, ये यहाँ पे की और यहाँ पे के लिए सब दिया हुआ है, ये आंसर है उसके। काल परिवर्तन बहुत इजी है, क्यूब चूसता हूँ, अब ये ता है ती है आता है तो सामान्य वर्तमान काल है तो होता है, तो भविष्य काल हो जाएगा तो चूसूंगा करके गागे किया जाएगा लास्ट में। अब ये देखो ये भविष्य काल में है, करना किस में है, सामान्य भूतकाल में, तो ये देखो कर दिया यहाँ पे, आई आया आए, ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। अभी देखो भविष्य काल में है तो किस में करना है, अपूर्ण वर्तमान काल यानी रहा है रही में, तो कर दिया है। संधि विच्छेद अपुण्य प्लस आत्मा तो क्या होगा, पुण्यात्मा, तो ये क्या होगा, ये स्वर संधि होगा। प्रत्येक तो प्रति प्लस एक तो प्रत्येक होगा, ये भी स्वर संधि होगा, ये होगा आपका व्यंजन संधि वागीश, देख लेते हैं यहाँ पे आंसर, ठीक है देख लो आंसर दिया है। क्वेश्चन पूछा गया तो प्रश्नार्थक वाक्य ये आदेशात्मक है,
आदेश किया गया है, ये विस्मयार्थक है। काल परिवर्तन वापिस से है, ये मैंने समझा ही दिया है। मुहावरों का अर्थ लिखना है तो देखो, आंखें दिखाना, कोल्हू का बैल, जी जान से लगना, सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आंसर देख सकते हो, अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरे का वचन का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पे देखो आंसर्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देखो, युद्ध में न जाने कितनी माताओं के बच्चे मर जाते हैं, तो गोद सुनी हो जाना ये आ जाएगा, माताओं के गोद सुनी हो जाते हैं, ऐसे लिखोगे। अब ये देखो, कलिंग के वीरों ने अशोक के सामने खून कर दिया, तो खून की नदी बहाना, अशोक के सामने खून की नदियाँ बहा दी। तो हमें संयम से काम लेना चाहिए, बात बात पर आपे से बाहर नहीं, आपे से बाहर होना दुर्बलता की निशानी है, ये आएगा। अब आंसर यहाँ पे दिया गया है, ये इजी पढ़ता है, बच्चे यही प्रेफर करते हैं। वाक्य शुद्धिकरण, ये तो सिंपल है, देख लो, ठीक है, जाएगा दिया तो दिया जाएगा। बहुत छोटे छोटे यहाँ पे रहते हैं मिस्टेक्स जो आपको सही करने होते हैं। अब यहाँ पे देखो, इनका वाक्य प्रयोग करना है, गया तो गया, देना का दिया दिए, ठीक है, था का था थे थी, ऐसे बनाना है वाक्य। सहायक क्रिया छांट कर लिखना है, तो मच गई, गई जाना हो गया, सकेगा तो सकना, करेंगे तो करना, तो ये भी बताना है कि इसमें क्रिया क्या है वो लिखना है, और फिर मूल क्रिया क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। एग्ज़ाम में मूल क्रिया भी पूछ सकता है, प्रेरणार्थक क्रिया तो आपको पता ही है, बचना बचाना, बचवाना, सुनना सुनाना, सुनवाना, देना दिलवाना, दिलाना दिलवाना। अभी यहाँ पे वही दिया गया, प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, पिलाई, तो ये देखो प्रथम प्रेरणार्थक है, करवाया तो द्वितीय प्रेरणार्थक है। कारक यहाँ पे दिया गया है, भारत में धूम मची है, तो यहाँ पे देखो भारत में अधिकरण कारक है, बर्फ के संबंध कारक है। इन दोनों का आंसर यहाँ पे है, बिजली बचत की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो आंसर, और भी यहाँ पे आंसर्स दिए हैं, आप देख सकते हो। ईंधन की बचत समय की मांग है, इस विषय पर मुद्दों के आधार पर अपना मत व्यक्त कीजिए, तो देखो यहाँ पे आंसर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो, पर्वतारोहण यानी कि जो लोग जाते हैं ट्रैकिंग पे, जो चढ़ते हैं पहाड़ों पे, यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो कम से कम पूछिए, मैंने यहाँ पे बहुत ही जूम इन करके बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियर कट यहाँ पे समझाया है, फिर भी कोई डाउट है तो कम से कम पूछिए। कोई और वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपका हिंदी, मराठी, इंग्लिश, साइंस वन, साइंस टू और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, मैथ्स को छोड़ के, ठीक है, सारे अपलोडेड हैं, तो आप देख सकते हो।